हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर नाइन डाटा हैंडलिंग के एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर वन हमने दे रखा है, अ टीचर वांट टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट। को टीचर है वो ये जानना चाहता है कि हर बच्चे को खाने में क्या पसंद है एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील, जो मिड डे मील उनको मिलता है उसको के अकॉर्डिंगली। द टीचर असाइन द टास्क कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन टू मारिया। टीचर है किसी लड़की को, मारिया नाम की लड़की को वहाँ पे असाइन करता है कि वो सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। तो मारिया डज सो यूजिंग अ पेपर पेंसिल। तो मारिया पेपर और पेंसिल लेती है, आफ्टर अरेंजिंग द चॉइस एंड कॉलम शी पुट अगेंस्ट द चॉइस ऑफ फूड वन, जो ए पर्सन है उसके लिए वो सिंगल इस तरीके से लाइन ड्रॉ करती है, मार्क फॉर एवरी स्टूडेंट मेकिंग द चॉइस। यानी उसने पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको राइस पसंद है, पूछती गई। जैसे किसी ने हाँ करा उसके लिए उसने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर किसी अगले बंदे से पूछा जिसने बोले चपाती पसंद है तो उसने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। इस तरीके से जितने स्टूडेंट्स को पूछती गई जिसकी जो पसंद थी वो यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करती गई, ठीक है। यानी कि वो लोग जिनको सिर्फ राइस पसंद है, वो लोग जिनको सिर्फ चपाती पसंद है, वो बोथ राइस एंड चपाती, यानी वो लोग जिनको दोनों चीज़ पसंद है उनके लिए उसने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस डाटा को उनके नंबर के अकॉर्डिंगली और टैली मार्क्स के अकॉर्डिंगली उनको रिप्रेजेंट करना है। ये जो टेबल बनी हुई एक तरीके से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी अगर पर्सन इसको देखता है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसी टेबल को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। तो यहाँ लिखा मैंने चॉइस, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक, और यहाँ पे नंबर्स, यानी कि चॉइस लिख लेते हैं जिनको सिर्फ राइस पसंद है या फिर जिनको चपाती पसंद है, चपाती ओनली, या फिर वो लोग जिनको दोनों चीज़ें पसंद है, बोथ राइस एंड चपाती। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लाइनों को ड्रो अकाउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पे राइस पसंद करने वाले कुल मिला के 17 लोग हैं, चपाती पसंद करने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 लोग हैं। और ये दोनों को पसंद करने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे कुल मिला के 20 लोग हैं। अब इनको टैली मार्क्स के अगर थ्रू हमें दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, 17 हैं तो 1, 2, 3, 4, पांचवी लाइन इस तरीके से ताकि पांच का पूरा एक जोड़ा बन जाए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 13 हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इस टेबल को देखते हुए हम इजीली हर किसी का डाटा बता सकते हैं कि जिनको राइस पसंद है वो 17 हैं, या फिर टैली मार्क्स को देखिए 5, 10, 15, 2, 17, चपाती पसंद वाले 13, बहुत दोनों पसंद करने वाले 20। तो यानी कि हम इस टेबल को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर वन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर टू को। एग्जांपल नंबर टू में बोला गया है, एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास फोर्थ। यानी कि एकता नाम की कोई है जो कि डाटा कलेक्ट करती है क्लास सिक्स के बच्चों से उनके शूज़ का साइज, हर फाइंडिंग द रिकॉर्ड इन द मैनर शोन बिलो। यानी कि उनका डाटा इस तरीके से दिखाया गया है, उसने पहले बच्चे से पूछा उसका शूज़ का साइज़ कितना है, तो उसने बोला 5, अगले ने 4, 7, 5, 6, 6, 7, 6, इस तरीके से डाटा सारा दे दिया गया है। फिर बोलता है जावेद, जावेद चाहता है कि साइज़ ऑफ शूज़ वॉर्न बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी सबसे ज़्यादा साइज़ कौन सा स्टूडेंट पहनते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला साइज़। सेकेंड, द साइज़ ऑफ शूज़ वॉर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे कम कौन सा साइज़ पहनते हैं लोग। कैन यू फाइंड द इन्फॉर्मेशन, क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हो। तो जैसे हमने एग्जांपल नंबर वन किया, एग्जांपल नंबर टू भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे, साइज़ ऑफ शूज़ इसको यहाँ लिखेंगे, पहला कॉलम बनाया, दूसरा कॉलम बनाएंगे टैली मार्क्स का, ठीक, तीसरा कॉलम बना लेंगे हम फ्रिक्वेंसी का,
यानी वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। फिर हमें ये देखना है कि सबसे छोटा साइज़ जो इसमें यूज़ हुआ है वो कौन सा है। चार, चार से छोटा तो कोई नंबर है नहीं। चार से बड़ा नंबर यूज़ हुआ पाँच, पाँच से बड़ा छः, छः से बड़ा सात, सात से बड़ा आठ, इससे बड़ा तो यूज़ हुआ ही नहीं है। तो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा साइज़ कितना होगा, एट तक होगा। अब हमें काउंट करना है यहाँ पे कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। फोर कितनी बार रिपीट हुआ है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार रिपीट हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी क्या ली थी, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। फिर हमें देखना फाइव कितनी बार रिपीट हुआ है। फाइव, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, ये हमारा आठ बार रिपीट हुआ। तो यहाँ लिख दिया मैंने एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। फिर देखेंगे हम सिक्स को कि सिक्स नंबर हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है। सिक्स, ठीक है, सिक्स पे मार्क करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये कुल मिला के 10 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ लिख दिया 10, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। फिर अगला नंबर देखो, अगला नंबर है सेवन। सेवन कितनी बार रिपीट हुआ है ये हम चेक करेंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन सेवन टाइम ही रिपीट हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब बचा फाइनली कौन हमारा, एट, जिस पे सर्कल नहीं लगा वो एट होगा। एक दो, कुल मिला के एट तो 2 बार रिपीट हुआ है। तो मैंने लिख दिया टू, वन एंड टू। हमने एक टेबल के थ्रू सबका डाटा कलेक्ट कर लिया। अब इसको देखते हुए हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला साइज़ कौन सा है और सबसे कम पहने जाने वाला साइज़ कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी देखो 10 आई है, तो यानी साइज़ नंबर 6 सबसे ज़्यादा पहना जाता है। साइज ऑफ शूज़ वॉर्न बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज की थी यानी साइज़ नंबर 6। सेकंड पार्ट, सबसे कम कौन सा है, 8 नंबर का साइज़। तो यहाँ पे लिख देंगे साइज़ ऑफ शूज़ वॉर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे कम साइज़ कौन सा पहना जाता है, साइज़ नंबर 8। इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।